बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहन भाई सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी है दाल चावल। दाल हमने लिए मूंगी मसूर की, चावल लिए पकी बासमती। इधर टमाटर, हरी मिर्चें, छोटी दरमियानी साइज़ का प्याज, दरमियानी साइज़ का प्याज लेना, छोटा सा मीडियम साइज़ का लेना प्याज हमने। और ये हरा लहसुन है, ये भी ऐड करेंगे बीच में। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने पानी रख दी है गर्म होने के लिए। इसमें हम दाल डाल देते हैं, दाल धुली हुई है। दाल हमने ऐड कर दी है इसमें। अब इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, हरा लहसुन और मीडियम प्याज जो था वो ऐड कर देंगे इसमें। इसी के साथ हम मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे हसबे जायका, जितना आपको पसंद हो नमक उतना ऐड कर दें, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच भर के डालेंगे। दाल चावल बन रहे हैं तो स्पाइसी हो तो अच्छे लगते हैं। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डाल दिए, हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून भर के डाल दिए। सूखा जो सा हमने सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे। सबको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। इसको वेट लगा देंगे 10 मिनट के लिए, ढक्कन बंद करके इसका वेट चला देंगे ऊपर। इस तरह हमने दाल रख दी है, अब ये पक रही है। इस तरह हम ये चावल बना लेते हैं। चावल बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच ऑयल लगा डाल लेंगे। इसमें हरा लहसुन जो सा ये थोड़ा सा मैंने काट लिया, ये ऐड कर देंगे इसमें। साथ ही हमने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे। 2 गिलास चावल हैं तो भर के हमने पानी इसमें ऐड कर देना। पानी मैंने इधर डाल दिया भर के। अब इसमें इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं, पानी बॉईल हो जाए अच्छी तरह। पानी अब गर्म हो गया, इसमें चावल ऐड कर देते हैं। इसमें नींबू का रस थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि चावल खिले खिले अच्छे नजर आए, कलर अच्छा नजर आए, चावलों का कलर वाइट वाइट ही नजर आएगा। साथ ही इसके ऐड कर देंगे हम नमक, हसबे जायका, चावलों में नमक ज्यादा लगता है इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिए। इसको अच्छी तरह ढक्कन दे के पकने देंगे, फिर हम इसका पानी निकाल देंगे छन्नी में डाल के।
चावल इधर डन हो गए हैं, अब पकती हैं अच्छी तरह। अब इसको छन्नी में छान लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। चावल को हमने छन्नी में डाल के छान लिया, ये देखें। इसको 5 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। तो दम पर लगा दिया, इस तरफ हम दाल चेक करते हैं। दाल भी डालना है, पक गई बिल्कुल। इसको ऐसे ऐसे करेंगे, टमाटर मिक्स हो जाएंगे बीच में बिल्कुल। दाल पक गई है, देखें। अब इसको हम नीचे उतार देते हैं आग से, तो तड़के की तैयारी करते हैं। इसको तड़के लगाने के लिए मैंने इधर लहसुन अदरक का पेस्ट पीस लिया, और अब हम तड़का लगाते हैं। ऑयल इधर गर्म हो गया फ्राई पैन में, अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। इसमें ऐड कर देते हैं, अब इसको फिर दोबारा आग पर रखेंगे। इस तरह मैंने कसूरी मेथी ली है, ये इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें मिक्स कर दिया, ये नींबू का रस है, इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा आधे चम्मच जो सा है चाट मसाला, इसमें ऐड करके इसमें डाल देंगे। फिर हमने इधर हरा धनिया और हरी मिर्च काट ली है, इसमें ऐड कर देंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई पक के, अब इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। एक चम्मच मिक्स कर लें, देखिए सब कुछ मिक्स हो गया दाल में। आप नीचे से बंद कर देंगे, ये पक गई है बिल्कुल। दूसरी तरफ हम चावल देख लेते हैं, चावल भी हमारे रेडी हैं बिल्कुल पक के। देखें खिले खिले चावल बने हैं। अब डिश ऑफ करते हैं, डिश में इसमें डालते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल रुक। ये देखें फाइनल रुक, देखें देखें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की रेसिपी। इसी के साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें मुझे, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ दें इजाज़त मुझे, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।